तो आज से मैराथन बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लेंगे बैठक। अगले 4 दिन तक अलग अलग जिलों में बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे अरुण साव। आज कोरबा में होगी जिला समिति और समन्वय समिति की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ बैठक को लेकर जानकारी? जी कविता, बता दें कि भाजपा लगातार मैराथन बैठक कर रही है और जिस तरह से पहले 4-5 विधानसभाओं की बैठक की है, राजधानी रायपुर में जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है अजय जामवाल जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में लगातार बैठकों का दौर चला। उसके बाद महासमुंद में बैठक की, फिर बलौदा बाजार भाटापारा के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बैठक की। इसी कड़ी में देखा जा सकता है कि आज से फिर 4 दिनों तक लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है जी, ये फिर अलग अलग जिलों में बैठक करेंगे। आज प्रमुख रूप से कोरबा जिले में बैठक है और कोरबा जिले में जो जिला कार्य समिति और समन्वय समिति है उसकी बैठक लेंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी कि इस तरह से काम होना है। और जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक में जो बातें तय हुई है, जो टारगेट तय किए गए हैं उन तमाम चीजों की भी जानकारी इनको देंगे और जिला स्तर पर जिला कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे। साथ ही साथ वहां की कमियां खामियों को लेकर भी वे कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे। इसके अलावा सरकार की जो गतिविधियां है, सरकार की जो नाकामियां है उसको उजागर करने का काम भी लगातार भाजपा की ओर से की जाएगी और इस दौरान वे पत्रकार वार्ता लेकर बैठक के बाद उसकी ब्रीफिंग भी करेंगे। इस तरह से आज कोरबा में बैठक होगी, उसके बाद फिर कल अंबिकापुर, फिर 7 नवंबर को बलरामपुर, उसके बाद फिर 8 नवंबर को कवर्धा में बैठक होगी। इस तरह से सिलसिलेवार 4 दिन लगातार 4 अलग अलग जिलों में बैठक बीजेपी की होगी। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दिलीप।